अध्याय 41 चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हिमाडपंत से मिले और वह पिछली कथा निम्नलिखित रूप से सुनाई। एक दिन बंबई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर में लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसीलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको यानी हिमाडपंत को वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहां पर कोई नहीं था, केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहां विराजमान थे। परंतु काल चक्र ने उन्हें भी न छोड़ा। मैं वहां बीमार पड़ा हुआ था। तो फिर मेरे घर में उन लोगों को कष्ट क्यों हो? ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं है। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्य अनुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका है। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन के संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी चित्र बनवाई और उसकी कापियां अपने कई रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली, जिसे मैंने अपने घर के दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहेब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वह फोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वे अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े और उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसीलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में वह फोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए। कुल 6 फोटो थे और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिए। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा, तो बाबा का चित्र पूर्वत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ ना सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकालकर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी बीतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था किस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मू मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनके इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार संभालने के लिए सर्वथा सत पात्र हैं। तब हम दोनों आपके घर आए
और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते तथा किस प्रकार उनके कष्ट का निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री बेवही देव, जो उस समय ढहानू के मामलेदार थे, को दीर्घ काल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वे भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने में सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथों पर पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 4 पंक्तियां पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं ही कृपा करके इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूंगा। सन 1914 के फरवरी मास में वे सकुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं। श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूंगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो, और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दें, तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेष्ठ कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करेंगे। श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है। बालक राम ने कहा कि मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृतांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंदू कोड़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया, भगवान, जहां तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहां मानने वाले थे, उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ भी नहीं पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आए हो।
इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां देने और डांटने लगे। देव शांति पूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि एक घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्रित करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी यानी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शैला यानी दुपट्टा भेंट देना चाहता हूँ। फिर तुम दूसरों के समीप चिंतियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें यह शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और अब मैं आनंद पूर्वक पोथी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका अभूत शिष्य हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्टतया विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा वे संतुष्ट होकर घर लौट गए। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा एक वर्ष के पश्चात वे श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें पोथी समझ में आई। जब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर ना दिया तो बाबा बोले, अब तुम कब समझोगे। देव की आंखों से टप टप करके अश्रुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है। और यह पठन तो भार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने गए और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर लें कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्री देव अभी सन 1944 तक जीवित हैं और मुझे गत 4-5 वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जहां तक मुझे पता चला है वह यही है कि वे अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है, यह उनके साई लीला के लेख से स्पष्ट होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।